मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग आईपीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल पर। दोस्तों आज हम एक बहुत ही अच्छी चीज करने जा रहे हैं एक्सेल में। मैंने एक डेटा कहीं से कॉपी किया है, एक वेबसाइट है यहां से मैंने डेटा कॉपी किया है। मुझे ये डेटा मिला और जब मैं इसको कॉपी करके एक्सेल पे लाया तो प्रॉब्लम क्या है कि डेटा कुछ इस तरह से आया। अब मुझे इस डेटा में से ईमेल एड्रेस को अलग करना है। जी हाँ, जो ईमेल एड्रेस दिख रहा है ना, इसको अलग करना है, क्योंकि मुझे इससे सिर्फ इसकी ईमेल एड्रेस चाहिए प्रमोशंस के लिए या कुछ और चीज के लिए भी। तो इसमें से ईमेल एड्रेस हम कैसे अलग करेंगे, ये आज इस वीडियो टॉक का टॉपिक है। तो इसको जानने के लिए आप लास्ट तक बने रहें, और जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में मेरे स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, इस नंबर को भी ऐड कर लें। कभी भी किसी भी तरह का एक्सेल की प्रॉब्लम भी मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर मेरे साथ लाइव इंटरैक्टिव वन टू वन क्लासेस ले सकते हैं। जी हाँ, हम लोग जूम ऐप के थ्रू लाइव क्लासेस देते हैं। ये क्लासेस लाइव होती है, इंटरैक्टिव होती है, जो कि आप अपने घर से ले सकते हैं मेरे साथ डायरेक्ट, और ये क्लासेज डेली बेसिस पे चलती है और वीकेंड भी चलती है। या फिर आप हमारे साथ मेरा पीडीएफ वीडियो फाइल जो है हमारी, सॉरी पेन ड्राइव जो है हमारी, वो भी आप ले सकते हैं। जी हाँ, पेन ड्राइव भी परचेज कर सकते हैं, वीडियोज पेन ड्राइव, ये सारी चीजें मेरी वेबसाइट iptindia.com पे मिलेगी। और कुछ डिटेल्स के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं iptindia.com पे जाके, या फिर मेरे साथ स्क्रीन पे नंबर है उस पर। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, गप्पे तो बहुत हो गई। तो कैसे करेंगे, तो मैं देख रहा हूं कि मेरी हर एक ईमेल में, मैं नीचे तक देखा कि इसमें एक चीज है कि एक कॉलन से स्टार्ट है और ब्रैकेट क्लोज से खत्म है, या क्लोज या फिर ये कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये कॉलन से स्टार्ट है और वापस कॉलन पे ही खत्म है, ब्रैकेट पे खत्म है। तो मुझे कॉलन के बाद और ब्रैकेट से पहले का चीजें चाहिए, और ये चीज मैं देख रहा हूँ लास्ट तक जो भी है ऐसी फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो हमें एक कंडीशन मिल गया, चलिए इस कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फाइंड का फॉर्मूला लगाता हूँ, फाइंड, और मैं बोलता हूँ कि इसमें से कॉलन को ढूंढ निकालिए, कॉमा जी अब प्रॉब्लम है कि इसमें आप देख रहे हैं कि क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो और भी कहीं ब्रैकेट क्लोज तो नहीं है, एक बार देख लीजिए, ऐसा लगा कि ब्रैकेट बाद में भी क्लोज है, नहीं और कोई ब्रैकेट क्लोज नहीं। तो मैं एक और फाइंड लगाऊंगा यहाँ पे, फाइंड का फॉर्मूला फाइंड, और फाइंड में मैं बोलूंगा कि क्लोजिंग ब्रैकेट का। तो फाइंड फॉर्मूला या सर्च फॉर्मूला करता है क्या है कि आपके सेल में उस करेक्टर को सर्च करता है और उसका पोजीशन बताता है कि कितने नंबर करेक्टर पे है। तो हमें बताया कि भाई हमारा जो कॉलन है वो 153 पे है, ब्रैकेट जो है वो हमारा 176 पे है। फिर मैं मिड का फॉर्मूला लगाता हूँ कि मिड, हमने इसको सिलेक्ट किया और बोला कि इसके बाद से मेरे स्टार्ट करो, और इसमें से हमने माइनस कर दिया 153 को और बोला कि जितना नंबर ऑफ करेक्टर है वो अलग कर दे। तो ये क्लोजिंग ब्रैकेट अलग हो गया, क्लोजिंग ब्रैकेट भी ला दिया इसने, तो इसमें से माइनस 1 कर दीजिए, आपका क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं आएगा, और मुझे ईमेल आईडी मिल गई। अब मुझे मुझे एक फॉर्मूला करना है, तो इसको कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ जहाँ B3 है वहां पेस्ट कर दूंगा, B3 यहाँ भी है यहाँ पेस्ट कर दूंगा, और B3 हमारा यहाँ नहीं, इसमें नहीं है, फिर इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ हमारे जहाँ पे C3 है वहां पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, फिर इसको कट करके स्टार्टिंग में लाता हूँ, इसको छटा देता हूँ और फिर इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ। अब जिस अब यहाँ पे
एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, ईमेल आईडी तो आ गया बट ईमेल आईडी सब में नहीं आया। अब जैसे इसकी बात करें, हमें इसकी बात करें तो इसमें ईमेल आईडी है, देख लेता हूँ। इसमें नहीं है ईमेल आईडी, इसमें ईमेल आईडी नहीं है, लेकिन ये कॉलन है इसलिए इसे पूरा उठा लिया। सेम यहां भी यही हो रहा है, इसमें ईमेल आईडी नहीं है। अब जिसमें ईमेल आईडी नहीं है वो भी दिक्कत कर रहा है, तो दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक और करते हैं काम, इफ कंडीशन, यहाँ पे इफ एरर लगाते हैं, इफ कंडीशन लगाते हैं। इफ इफ में मैं देता हूं फाइंड का फॉर्मूला, तो फाइंड के फॉर्मूले में मैं एट द रेट फाइंड करता हूं, क्योंकि एट द रेट तो हर किसी में होगा ही होगा। इसमें लिया और हमने वन कर दिया। अब मैं इसको इज एरर में रखता हूं, इज एरर, इज एरर। अगर इसमें इज एरर ट्रू दिया तो मैंने बोला ब्लैंक कर दो यहां, अदरवाइज अगर इज एरर फॉल्स दे रहा है तो चले। मतलब कि अगर एक मिनट, हम दो कमा देते, एक ही कमा दे रहा था ना, हाँ यहां पे दी। अगर इज एरर होगा, एरर होगा तो ब्लैंक हो जाए। जिस जिसमें इसमें देखिए ईमेल आईडी नहीं है, मेल आईडी नहीं है इसमें, तो इसमें इसने ब्लैंक कर दिया। तो एट द रेट फाइंड करेगा कि क्या इसमें ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी है। तो अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि सारे ईमेल आईडी मिले हैं या कुछ और गड़बड़ गया है। नहीं, ईमेल आईडी मुझे सारे मिल गया है। तो ये तरीका रहा, इसको बोलते हैं डेटा क्लियरेंसिंग। डेटा अलग अलग फॉर्मेट में आता है। अब इसमें देखिए, इसमें ईमेल आईडी है फिर भी हमारी वैल्यू एरर दिया। अभी एरर क्यों दे रहा है, चलिए इस पर रिसर्च करते हैं। यहाँ फॉर्मूला एवलेट पे देखिए, अब देखिए किसी फॉर्मूला को चेक करने के लिए फॉर्मूला एवलेट कीजिए, पता चल जाएगा। फाइंड रिजल्ट हुआ, इज एरर दिया फॉल्स, फॉल्स दिया तो मिड चला, मिड में हमारा फाइंड, यहाँ फाइंड किया हुआ, फाइंड कॉलर को फाइंड कर रहा है, कॉलन को फाइंड करने के बाद ये वही यहाँ पे चेक कर रहा है कि इसमें एरर दिया क्यों, क्योंकि इसमें क्लोजिंग ब्रैकेट भी है और स्टार्टिंग भी है, तो इसमें एरर क्यों दे रहा है। तो इस पर मैं इसको मैनुअल लगा के देखता हूँ। मैं यहाँ पे फाइंड का फॉर्मूला देता हूँ और फाइंड के फॉर्मूले में क्लोज कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ और इसको देता हूँ वन, कोई एक फाइंड ही एरर दिया होगा 123। फिर मैं यहाँ पे आगे तो फाइंड का फॉर्मूला लगाता हूँ और बोलता हूँ इस क्लोजिंग ब्रैकेट कॉमा, इसको सेलेक्ट कर दिया एन वन। ओ हाँ, ये दिक्कत हुई थी, क्यों दिक्कत हुई, क्योंकि इसमें कहीं बीच में देखिए रांची दिख रहा है ना, कहीं बीच में क्लोजिंग ब्रैकेट है। अब इस ब्रैकेट को हटा देता हूँ तो रिजल्ट आ जाएगा। तो अब 100% ऑटोमेशन तो नहीं होती है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो होता ही होता है। अब देखिए इस जहां जहां ये प्रॉब्लम है कि जहां जहां हमारा पहले से ब्रैकेट कहीं लगा हुआ है इसलिए दिक्कत दे रहा है, जहां जहां पहले से ब्रैकेट लगा हुआ है। तो इसके लिए फिर हम ईमेल आईडी पे या फिर एक कॉलन
दो जो दो कॉलन है, एक कॉलन भी लगा सकता हूँ, हम क्लोजिंग ब्रैकेट की जगह पे कॉलन दे दें तो कॉलन से भी आपका आ सकता है, ये जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट है ना इसको जगाते हम इस, लेकिन कॉलन पे प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर आप कॉलन लगाते हैं तो मुझे इस फाइंड को ये प्लस वन सिस्टम को यहाँ रखना पड़ेगा, तब आपका रिजल्ट देगा, तब इसमें से माइनस वन नहीं हमें माइनस टू करना पड़ेगा। थ्री कर दें, माइनस थ्री करना पड़ेगा, माइनस थ्री करने के बाद ही आपका रिजल्ट आएगा। तो जहां जहां एरर है वहां वहां इसको हम डाल सकते हैं, या फिर पूरे पे ही डाल दें, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ मेरे इस टॉपिक को डिस्कस जरूर कीजिएगा। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कीजिएगा, या हमारे साथ आपको डेमो क्लास लेनी है, आपसे देखना चाहते हैं कि हम क्लासेस किस तरह से देते हैं, तो डेमो क्लासेस का फॉर्म भर के डेमो क्लासेस ले सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।